जय हिंद दोस्तों, मेरा YouTube चैनल में आप लोगों का फिर से स्वागत है। और मेरा नाम है रहमुद्दीन अंसारी और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल सेलर अंसारी। तो दोस्तों, आज एक लड़के ने मेरे WhatsApp पर कमेंट किया था कि भाई हमने GP रेटिंग का एग्ज़ाम, जो फाइनल एग्ज़ाम होता है, वो हम लोगों ने दे दिया। अब रिजल्ट आने में 1.5 से 2 महीना लगेगा। इस पीरियड में हम लोगों को क्या करना चाहिए? घर पर बैठे रहना चाहिए या कुछ प्रिपरेशन करना चाहिए या क्या करना चाहिए? कुछ और एडिशनल डॉक्यूमेंट बनाना चाहिए या कुछ और एडिशनल हम लोग को कोर्स भी करना पड़ेगा जहाज़ पर जाने के लिए? तो मेरे भी माइंड में यही आया था जब मैं ट्रेनिंग कर रहा था कि भाई हम कोर्स करके आ गए, अब घर बैठ के हम लोग को क्या करना चाहिए। तो देखिए, मैं तो आपको यही बताऊंगा कि जब आप GP रेटिंग का फाइनल एग्ज़ाम दे दिए, आप अपने घर आ गए हैं, तो आपको 3 चीज़ें पक्का बनवा लेनी चाहिए। GP रेटिंग का कोर्स करके आ गए हैं तो आपको 3 चीज़ें पक्का बनवा लेनी चाहिए। आपको दो से तीन महीना टाइम लगेगा ही लगेगा रिजल्ट और पूरा सर्टिफिकेट घर पर आने में। सबसे पहले आपको SID कार्ड बनवा लेना चाहिए। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये SID कार्ड है, आपको दिखाई दे रहा है, ये है SID कार्ड, ठीक है। ये आपका सीफेरर आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट हो गया। जैसे कहीं भी आप काम करते हैं, स्कूल में भी आप पढ़ाई कर रहे होंगे तो आपको ID कार्ड मिला होगा। इसी तरह अगर आप इंडियन नेवी में हैं, इंडियन एयरफोर्स में हैं, इंडियन रेलवे में हैं, इंडियन आर्मी में हैं, इंडियन कोस्ट गार्ड में हैं, या SSC में हैं, या बैंक PO हैं, या बैंक क्लर्क हैं, उसी तरह आप मर्चेंट नेवी में हैं, तभी भी आपको एक आईडी कार्ड मिलेगा। तो इसी का नाम होता है SID कार्ड, सी फेरर आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट। ये आप बनवा सकते हैं। तो अब लड़के पूछेंगे कि भाई ये बनता कहाँ है इससे? तो ये बनने का है तो कोलकाता से बनेगा, कोलकाता MMD से बनेगा, चेन्नई MMD से बनेगा, ग्रेटर नोएडा से बनेगा और आपका मुंबई से बनेगा, ठीक है। तो आपके जो नियर बाई में है वहाँ से आप बना सकते हैं। ज़्यादा टाइम नहीं लगे, जैसे आपने पासपोर्ट बनाया था इसीलिए इसका ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है। 300 रुपये इसका चार्ज लगता है। 300 रुपये आप पेमेंट करेंगे, जिस डेट पर आपको डेट मिलेगा उसी डेट और टाइम पर उस MMD में आप जाएंगे और वहां पर जाकर आपका बायोमेट्रिक होगा। और बायोमेट्रिक या आप एक आपका वहां पर फोटो लेगा और आपका वहां पर एक सिग्नेचर करवाएगा और ये विदिन 10 से 15 दिन के अंदर आपके घर बनकर आ जाएगा, ठीक है। 300 रुपये इसके चार्ज है। तो ये आपको बनवा लेना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। ये आपको बनवा लेना जरूरी है, SID कार्ड, ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। SID कार्ड आप बनवा लीजिए, काम आएगा। उसके बाद जो दूसरा है कि आप अगर आप FG वेसल ज्वाइन कर रहे हैं तो ये आपको दूसरा चीज़ आपको बनवा लेना चाहिए, वो क्या है? तो येल्लो फीवर का वैक्सीन। ये जैसा दिखाई दे रहा है ये येल्लो फीवर है, ठीक है। येल्लो फीवर का वैक्सीन आपको लगवा लेना है, ठीक है। ये येल्लो फीवर का वैक्सीन है। अब बहुत लड़के पूछेंगे कि भाई ये येल्लो फीवर का वैक्सीन का यूज़ क्या है? तो देखिए, येल्लो फीवर का वैक्सीन है, इसका भी चार्ज 300 रुपया है। इसके लिए भी आपको ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा। और अब SID कार्ड के बारे में मैंने बताया कि SID कार्ड बनता कैसे है, तो आप नेट पर सर्च मारिए या मेरे यूट्यूब चैनल पर भी सर्च मारिए हाउ टू अप्लाई SID कार्ड या SID कार्ड कैसे बनाए, वो मैं आपको पूरा ऑनलाइन भी बता दिया हूँ कि कैसे कैसे ऑनलाइन करना है, कैसे जाकर वहाँ पर बायोमेट्रिक देना है, सारा चीज़ आपको वीडियो में मिल जाएगा। येल्लो फीवर का वैक्सीन क्या होता है? तो येल्लो फीवर का वैक्सीन, जैसे आप अपने कंट्री को छोड़कर दूसरा कंट्री में जाते हैं तो जहाज़ में ये लगता है येल्लो फीवर का सर्टिफिकेट, तो इसका भी चार्ज 300 रुपया है। 300 रुपया आप देंगे, येल्लो फीवर का वैक्सीन आपको एक लगाएगा और ये सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा। इसका भी आपको अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है, ठीक है। तो येल्लो फीवर का जो सेंटर है वो बनाया गया है हॉस्पिटल। तो अगर आपको देखना है कि येल्लो फीवर का वैक्सीन किस किस हॉस्पिटल से लें तो आप डायरेक्ट नेट पर जाकर सर्च मारिए येल्लो फीवर वैक्सीनेशन सेंटर इन इंडिया, पूरा लिस्ट ही खुल कर आ जाएगा। उस हॉस्पिटल में चले जाएं और बोलें कि मेरे को येल्लो फीवर बनवाना है, वो आपको वैक्सीन दे के ये लगा देगा। अब आपको ये भी नहीं समझ में आ रहा है कि भाई येल्लो फीवर वैक्सीन कैसे लें, तो मेरे यूट्यूब चैनल पर सर्च मारे हाउ टू अप्लाई येल्लो फीवर वैक्सीनेशन अपॉइंटमेंट आ जाएगा, या येल्लो फीवर का सर्टिफिकेट कैसे बनवाएं यूट्यूब पर मेरा सर्च मारिए आ जाएगा, वहां पर जाकर आप बनवा लें, मस्ट है, एकदम जरूरी है। उसके बाद जो तीसरा मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो आपका है ऑक्टोकोर्स, जिसको बोलते हैं ऑयल एंड केमिकल टैंकर कार्गो ऑपरेशन। देखिए, ये ऑक्टोकोर्स का सर्टिफिकेट है, ये आपको दिखाई दे रहा है, ऑक्टोकोर्स का सर्टिफिकेट है, ऑयल एंड केमिकल टैंकर कार्गो ऑपरेशन कोर्स। इस कोर्स में क्या होता है, जैसे आपका कहीं अपॉइंटमेंट हुआ, ठीक है, जैसे मान लीजिए कि आपको किसी कंपनी ने हायर किया और उसके पास केमिकल टैंकर है, ऑयल टैंकर है, ठीक है, ऑयल टैंकर है और केमिकल टैंकर है, तो जब तक आपके पास ऑक्टो कोर्स नहीं रहेगा तब तक आप ऑयल और केमिकल टैंकर पर ज्वाइन नहीं कर पाएंगे।
ऑक्टोपस जो होता है वो 5 से 6 दिन का होता है, और इसकी कोर्स की जो फी होती है 4,000 से 6,000 रुपये होती है, डिपेंड करता है कॉलेज के ऊपर, ठीक है। जब आप ऑक्टो कोर्स कीजिएगा और ऑनलाइन एग्जाम दीजिएगा तो ये आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा, ठीक है। ये जो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, इस सर्टिफिकेट पर आप आराम से अपना डीसी निकलवा सकते हैं, डेंजरस कार्गो सर्टिफिकेट, ये आपका डीसी हुआ। तो इसको निकलवाने में कोई झंझट नहीं है, कोर्स करने इसी में झंझट है, ठीक है, क्योंकि इसके लिए आपको 5 से 6,000 रुपये खर्चा करना पड़ेगा, डिपेंड करता है कौन कॉलेज कितना लेता है। 5 से 6,000 रुपये कोर्स कीजिएगा, ऑनलाइन या ऑफलाइन जो भी होगा, कोर्स करने के बाद आपका जब ऑक्टो सर्टिफिकेट आ जाएगा तो आराम से आप डीसी अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आपको ये भी समझ में नहीं आ रहा है कि भाई हम ऑक्टो कोर्स कहाँ से सर्च करें, तो आप डायरेक्ट यूट्यूब चैनल पर सर्च मारिए कि ऑक्टो कोर्स कहाँ से करें, वीडियो आपको मिल जाएगा, वहाँ पर कीजिए। या आपने कॉलेज में ही फ़ोन करके पूछ लीजिए कि भाई मेरे को ऑयल और केमिकल, सर मेरे को ऑयल और केमिकल टैंकर का कोर्स करना है, अगर उस कॉलेज में होगा तो आपको बता देंगे, वहाँ पर जाकर आप कोर्स कर लेंगे, 5 से 6,000 रुपये लगेगा। वो कोर्स करने के बाद जब आपके पास ये ऑक्टो का सर्टिफिकेट आ जाएगा तो उसके बाद आप डीसी अप्लाई करेंगे, तो डीसी अप्लाई होगा तो उसके बाद आपका डीसी भी आ जाएगा। तो भाइयों ये 3 चीज़ें आपको बनवा लेना अभी मस्ट है, और ये भी 3 चीज़ें आपको 2 महीने के अंदर बन ही जाएगी, ठीक है। एक एसआईडी कार्ड बनवा लो आप, येलो फीवर का वैक्सीन ले लो, और ऑक्टो कोर्स करके अपना डीसी निकलवा लो, डेंजरस कार्गो सर्टिफिकेट, ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब बहुत लड़कों का ये कमेंट था कि भाई मैं क्या करूं, तो मैंने आपका तो सोल्यूशन बता दिया, तो आप घर पर मत बैठो, ये फटाफट काम में आप लग जाओ, और कंपनी ज्वाइन करोगे तो ये येलो फीवर का भी लगेगा, और हो सकता है कि एसआईडी कार्ड भी आपसे मान ले, और हो सकता है कि अगर आप ऑयल और केमिकल टैंकर जहाज ज्वाइन कर रहे हो तो उसमें आपको डीसी लगेगा ही लगेगा, बिना डीसी का आप केमिकल और ऑयल टैंकर ज्वाइन नहीं कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें आप फटाफट करवा लो, घर से बैठे रहने से अच्छा है कि ये अपना अपॉइंटमेंट लेके करवा लो। तो आई थिंक दोस्तों मैंने आपको ये सारी चीज़ें समझा दी, अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और मेरा जो दूसरा चैनल है उसका नाम है अंसारी जीएस एकेडमी, तो उसको भी आप लोग सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि वहाँ पर भी प्रिपरेशन कराया जा रहा है। तो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।